जय हिंद भाइयों, आज का वीडियो अपना बहुत खास होने वाला है। जो अपने ये ग्राइंड मास्टर का पत्थर है उसको मैंने लास्ट तक यूज़ किया है और प्लेट के अंदर जो आप देख सकते हैं जैसे लोखन लगा है वो भी दिखने लग गया है। तो इसके अंदर ज़्यादा माल नहीं बचा है, आधा इंच से समझ लो जैसा माल बचा होगा इसके अंदर। और लगभग देख लो पत्थर की साइज भी एकदम पतली हो गई है, खाली वो पट्टी जो अपने पीछे की पट्टी लगी होती है उसके ऊपर चढ़ने में थोड़ा बचा है, पट्टी के पट्टी ऊपर चढ़ने ही रहेगी और आधा इंच जैसा ही इसके अंदर माल बचा हुआ है। इसके बाद में अपने जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो अपने जो शिखर का ब्लैक एमरी स्टोन है वो नया डालने वाला हूँ मैं। आज का अपने ये वीडियो देख लेते हैं कि किस आपने टंकाई करनी है लास्ट की, और आज अपने मैं दोनों पत्थर की टंकाई करने वाला हूँ क्यों लास्ट अभी है तो इसके बाद में कोई टंक। जैसा कि आपने पहले देखा था कि अपने को जो पत्थर पतला रह जाता है और उसको डबल पत्थर लगा के शेटिंग कैसे करना है वो भी आपने मेरे पुराने वाले वीडियो में देखा होगा। अभी ये पत्थर को आज अपने टंकाई करेंगे। टंकाई के लिए आप देख सकते हैं जैसे कि पत्थर पूरा मतलब उसमें लाइनिंग पूरी ये हो गई है, और अभी इसको खड़े वाले पाने जो ब्लेड होती है उससे एक बार लाइन सीधी बना के फिर इसकी टंकाई कर रहा हूँ मैं।
आप देख सकते हैं कि अपने दोनों पत्थर की टंकाई हो गई है। इसमें बिल्कुल जगह कम बची थी और बीच में जो लगी थी शाफ्टिंग, वहाँ पे भी देख सकते हैं आप इतना ऊपर आ गया है। तो भी मैंने टंकाई कर ली है और हल्की हल्की नाली भी बना ली है। जो माल था अभी समझ लो उसके अंदर ही मैंने नाली बना ली है। और आप देख सकते हैं इसे बीट दिख रहा है जो शाफ्टिंग वाला, वो भी एकदम ऊपर आ गया, कम से कम इसे आधा इंच इतना ऊपर आ लग गया है। और पत्थर इधर की साइड पे नीचे चला गया है। उसी प्रकार ये अपने जाम वाला पत्थर है, उसकी भी अपने टंकाई कर ली है और इसमें अभी थोड़ी साइज बची है। पर भी वो जो घूमने वाला पत्थर है वो पूरा ख़त्म हो गया है, तो भी ये भी थोड़ा कोई काम का नहीं है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और चैनल पर नए आए तो आपके भाई का चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। कृष्णा द बेस्ट वीडियो। जय हिंद।